नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आने वाले कुछ महीनों में आपको पटना के व्यस्तम इलाकों में जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। इसको लेकर बिहार सरकार और निगम प्रशासन ने नई तैयारियां शुरू कर दी है। जंक्शन गोलंबर के नीचे पार्किंग की घेराबंदी होने के साथ ही पार्किंग एरिया की फेंसिंग का काम होने वाला है। पार्किंग एरिया के लिए स्टील की ग्रिल लगाने से लेकर अन्य काम करवाए जाएंगे। जंक्शन गोलंबर के आसपास के अलावा बेली रोड फ्लाईओवर, जीपीओ गोलंबर से एग्जीबिशन रोड, गोलंबर वाया चुरैया टाड फ्लाईओवर और गांधी मैदान तक पार्किंग क्षेत्र की भी घेराबंदी की जाएगी। इससे राजधानी के लाखों लोगों को गाड़ियां पार्क करने में एक तो सहूलियत होगी, इसके साथ ही पार्किंग में दुकानें और अस्थायी अतिक्रमण से भी निजात मिल सकेगी। साथ ही साथ पार्किंग के आसपास के क्षेत्रों में लगने वाले जाम से भी निजात मिलेगी। सरकार की योजना के अनुरूप बिहार राज्य पुल निर्माण निगम पार्किंग को बेहतर बनाने पर लगभग 16 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है। पुल निगम ने इसको लेकर निविदा जारी कर दी है। निविदा फाइनल होने के बाद बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की तरफ से राजधानी के बेली रोड फ्लाईओवर में जगदेव पथ से शेखपुरा मोड़ तक नीचे की पार्किंग में फेंसिंग और घेराबंदी के अलावा फर्श की कंक्रीट का काम भी करवाया जाएगा। इसमें पार्किंग क्षेत्र को स्टील की ग्रिल से बैरियर लगाकर सुरक्षित किया जाएगा। इससे पार्किंग में अब अतिक्रमण नहीं हो सकेगा। वर्तमान समय की बात करें तो पार्किंग सुरक्षा नहीं होने की जगह अतिक्रमण की काफी ज्यादा समस्या आती है। इस पर पुल निगम लगातार 7.5 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रहा है। इसका काम अगले साल तक पूरा होने की उम्मीद है। वहीं स्टेशन रोड और एग्जीबिशन रोड में जीपीओ गोलंबर से गांधी मैदान तक पार्किंग को सुरक्षित करने पर भी निगम अब मोटी राशि खर्च करने जा रहा है, जिसके तहत ही निगम अब इसके लिए 6 करोड़ से अधिक राशि खर्च करने वाला है। उम्मीद है कि इसका काम साल 2022 के अंत तक पूरा हो जाए। जबकि आर ब्लॉक फ्लाईओवर में आर ब्लॉक से जीपीओ गोलंबर, आर ब्लॉक से विधानसभा और आर ब्लॉक से आयकर गोलंबर के नीचे के पार्किंग में 2.5 करोड़ खर्च करना होगा, जिसके बाद अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि नए साल के साथ ही राजधानी वासियों को जाम से निजात मिलेगी और लोग आराम से बिना जाम में फंसे अपनी यात्रा तय कर सकेंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि राजधानी पटना के कई ऐसे रास्ते हैं जहां पर आए दिन जाम की भारी समस्या रहती है। ऐसे में लोगों को हर दिन लंबी जाम का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में अब सरकार की इस नई योजना के अनुसार ही बिहार की राजधानी पटना में जाम से निजात मिलने की संभावना बढ़ गई है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।